हेलो। चलो आपके पोएम कंप्लीट करा दी। है क्या गई? है क्या गई थी? उस वीडियो में कुछ इशू आ गया था। तो आपको तो वर्ड में नहीं लिखाता हूँ, 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 वर्ड में नहीं लिखाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाद में पैराग्राफ समझाता हूँ। ठीक है, तो पेन लेके बैठ। सेफ्टी अनाइल होना है, ENIGH। थोड़ा एक्चुअली अपडेट हो रहा है तो थोड़ा हैंग हो रहा होगा मेरा, ये थोड़ा दिक्कत होगी मेरे को लिखने में। आप बस सुनते हो, मेरे को समझते हो ना क्या? किरुण 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 लिखो, किरुण। हास्टल लिखो, फ्लैग होता है। फ्लैग आपने जो डंडा होता है, जो डंडा होता है, जो डंडा होता है, जो डंडा होता है, उसको बोलते हैं सैफ। उसको क्या बोलते हैं? सैफ है ना। ठीक है, अनाइल को क्रून लिखो, क्रून। गुनाना है रिकॉर्डिंग, गुनाना है रिकॉर्डिंग, गुनाना है रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। क्रून मतलब रिकॉर्डिंग है ना। हसडू लिखो, हसडू। हसडू मतलब ट्रेबल लिखो, ट्रेबल। ट्रेबल नहीं, सॉरी, टू लेट रह गया अभी आपका। इवनिंग, टू लेट लिखो, इवनिंग। शांत संध्या, हाँ इवनिंग। ट्रेबल लिखो, ट्रेबल, थ्री टाइम्स। ट्रेबल मतलब ट्रेबल। वो प्लांट नहीं, वो एक दोस्त प्लांट करता है। किसका? बिफ्लैग। किसका? बिफ्लैग। किसका? बिफ्लैग। किसका? बिफ्लैग। किसका? ब्रिजश्री का। हवाओं का, हवाओं का एक फ्लैग जाता है, बहुत ऊंचा 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 जाता है। हवा बहुत ऊपर जाता, प्लांट बहुत ऊपर जाता है ना। उसके बाद ही प्लांट्स आर होम टू हेवन एंड आई। वो आसमान के पास रहने वाले लोगों को वो आसमान के पास से घर देता है। वो आसमान के पास से आसमान पर करता है, सर आसमान के पास घर प्लांट करता है। मतलब आसमान के पास घर प्लांट करने से मतलब आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं उनके घर देता है। गाने सुनता है, इन हर्स्ट इन हैप्पी टू लेट हर्ड।
कब सुनता है ये गाने वगैरह? गाने सुनता पास से, ये 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 गाने सुनता है। द ट्रेवल ऑफ हेमंत हारमोनी, जो हेवन की जो हारमोनी वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है, वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है चीजों से। तो 3 टाइम्स क्यों बोला उसने? उसने उसने यहाँ पर 3 चीजें बताई है, एक दो और ये तीन। तो इतनी सारी चीजें प्लांट करता है वो, केवल जस्ट प्लांट नहीं है उसके लिए, प्लांट नहीं, प्लांट से बहुत ज्यादा है, प्लांट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ का मतलब था। हम जरा अपने सेंस पर आ जाते हैं। आई थिंक आपके फिजिक्स अच्छा केमिस्ट्री में डाल दिया गलती, केमिस्ट्री में डाल दिया गलती से, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप। फिर वो कह रहा है कि सर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, एक 10 ml सिलिंज फिट विद पिस्टन, पिस्टन के अंदर वो फिट होनी चाहिए। रेज द लेटर टू द 10 ml, लेटर मतलब तो बाद में आया, बाद में किसका बॉडी यूज किया गया इन्होंने? पिस्टन। तो पिस्टन को 10 ml की हाइट पर ऊपर उठाओ और उसको मार करो, एंड रैप ऑन एडहेसिव टेप ओवर इट। बोर्ड हाफ वे टू अ रबर स्टॉपर। ठीक, ऑब्जर्वेशन। अभी तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो कह रहा ऑन प्लेसिंग सम वेट ऑन द पिस्टन, जैसे आप उस पिस्टन के ऊपर थोड़ा वेट डालते हो, यानी कि वेट मतलब कैसा है, बिल्कुल ही चला जाता 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 है, बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। ये तो आप घर पे भी देख सकते हो, किसी को वेट डालोगे तो एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ एयर। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आप ठीक एक्चुअली विंडो अपडेट हो रही है ना, 10 से 11 हो रही है, 10 प्रो है तो थोड़ा 11 हो गई, तो थोड़ा है भी इसके अंदर बोल रहा है। अब इसको थोड़ा हैंग हो रहा है। फिर फिक्र करें ग्रेजुअली धीरे धीरे पुट सम मोर वेट, और सर वेट बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं और गिरते 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 हैं और गिर जाएगा। और जो वेट आप एक एक करके हटाते हो, यू नोटिस जब बढ़ जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए। तो बस इस चीज़ आपको याद रखनी है हमें। तो सबके ध्यान में क्या कैसे प्रेशर घटेगा। तो अगर भूल गए प्रेशर, और वॉल्यूम के बीच में कैसे रिलेशनशिप बताया था ना आपको, इनवर्स आपने लिखा नहीं तो मतलब है, और टेम्पर वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। कंक्लूजन 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 जरूरी है। वो कह रहे हैं इंक्रीज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉज डिक्रीज इन वॉल्यूम। वो कहता है अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज वॉल्यूम होगा। कन्वर्सली इफ द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज होगा, किस 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 होगा, या फिर टेम्प से डिक्रीज होता है। या फिर मैं ऐसे बोल इंक्रीज हुआ तो वो 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 इंक्रीज हुआ
तुमको इन्फ्यूज हुआ, तुमको गिरा पड़ा 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 ठीक है। तुम तो रखी उसमें गिरने से सर, टेम्पर के बीच में और प्रेशर के बीच में, तो टेम्पर अगर भरत घटता है यानी इन्वर्स लॉस हो गया, 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 यानी इन्वर्स लॉस सर्कल के बीच में ना सर इनका ठहरते हैं रॉबर्ट, 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 ठहरते हैं रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल या बॉयल, रॉबर्ट बॉय, रॉबर्ट बॉय, रॉबर्ट बॉय, रॉबर्ट बॉय, रॉबर्ट बॉय, रॉबर्ट बॉय ले। हाँ रॉबर्ट बॉयल सिस्टमेटिकली स्टडी चल रही है रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल सिस्ट गैस स्टडीड द गैस रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम गैस। कितने में से आ रहे हैं गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप के बीच में स्टडी की है ना। इन 1662 ही फाउंड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिल्म 1662 में उन्होंने पता लगाया कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है ना किसी भी फिग्ड मास किसी का सूखी गैस का वो डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ, आधा डिक्रीज हो जाएगा, आधा आधा थोड़ा बहुत नहीं एकदम आधा 50% हो जाएगा। कब? अगर उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए, अगर उसके ऊपर डबल प्रेशर लगाया जाए, यानी कि रिलेशनशिप तो पूरी लग बताई जा रही है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो रहा है। हाँ बस अभी रिलेशनशिप और फिर में ऐसा बताना है कि अगर प्रेशर 2 टाइम्स लगाया तो सर वो हाफ हो जाएगा, 3 टाइम्स लगाया तो फिर 1/3 हो जाएगा, कुछ ऐसा रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं इट बिकेम 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन इट्स प्रेशर वॉज डिग्रीज टू 1/4। ओके यानी कि सर उनके बीच में उन्होंने रिलेशनशिप बताया कैसे बताया ऐसा 1/k वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/k, या फिर आप इसको बोल लो ऐसा वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वाला ज्यादा सही रहेगा ये वाला k अपॉन r, r मतलब रेट है, r मतलब यहाँ पे रेट होगी, इन्होंने लिखी नहीं है। हाँ देखो वॉल्यूम पता है कितना है, कुछ नहीं पता। k मतलब है आपका कांस्टेंट, k मतलब क्या है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शन, k मतलब होता है प्रोपोर्शन ठीक है। उन्होंने पी प्रपोर्शन को कैसे यूज किया हुआ है, ये पी ही है ठीक है। तो वो कह रहा है सपोज करो अगर प्रेशर जो प्रेशर है 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 प्रेशर आधा कर दिया, प्रेशर आधा कर दिया, यानी प्रेशर आधा करने का मतलब क्या है 1.5 हो गया, 0.5 आधे का मतलब। तो सर आप इसको सॉल्व करते हो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपको 4 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम आपको क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एक तरह से डबल हो गया, वो आधा हुआ तो वो डबल हो गया। तो ये रिलेशनशिप है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ही डिस्क्राइब दिस बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ लॉ नोन एज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो ये गिवन मास ऑफ अट्रैक्ट, 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 गिवन मास ऑफ अट्रैक्ट गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, वो कहना वो बिल्कुल इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है। ये कह रहा है बॉयल्स लॉ और कुछ नहीं है, बॉयल्स लॉ। तीन तरह के ग्राफ बना लो, पहला दूसरा तीसरा ठीक है। मुर्गी का फूल क्या, 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 क्या प्रेशर अभी बस
अपर रोल देखते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑर्डिनेंस ऑफ टेंट। आपने ऐसा किया तो एक स्ट्रेट लाइन उनको मिली। चलिए कैसे क्या कैसे नहीं, पहले उन्होंने वॉल्यूम लिखा, चार्ट बनाया, टू 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 थ्री ना बेट। कभी इतना उन्होंने वैल्यू कहां से लिया हमें नहीं पता। जब आप उन्होंने देखा नहीं, 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 इनके विषय में मैं बूंद आता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसमें स्ट्रेट लाइन जाती है। बूंद क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट रहना किसी भी चीज़ का। और यहाँ पे बात चलिए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, फिर रहता हूँ, फिर रहता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से तो क्या होगा देखते हैं। ये तो बिल्कुल हाइपर हाइपरबोलिक कर रहा है। हाइपरबोलिक मतलब झूठा है, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, झूठा एकदम। क्या वॉल्यूम होता? बिल्कुल झूठा करंट होता, 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 बिल्कुल झूठा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल झूठा कर रहे मिलेगा। द टर्म आइसोथर्म इज यूज टू डिस्कस ग्राफ। वो कह रहे हैं इस तरह के ग्राफ को यूज करने के लिए हम आइसोथर्म वर्ड यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो देखो वैल्यू वैसे पुट की गई है। अब देखो ये क्या बता रहा है कि जब हाई होगा तो सबसे हाई होगा, तो सबसे हाई होगा, तो सबसे हाई होगा, तो सबसे हाई होगा, ठीक है। जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ा तो सब प्रेशर, तो सब प्रेशर, तो सब प्रेशर ही बढ़ गया, और प्रेशर ही बढ़ गया और टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। ये तो झूठ है, ऐसा कहाँ से ऐसा होता है जब वॉल्यूम बढ़े और प्रेशर ही बढ़े, दोनों चीज़ एक साथ कैसे बढ़ सकती है? तो झूठ है, ये तो झूठ है। ऐसे उसको बोला गया हाइपरबोलिक पे, थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे। पी ये वाला बता रहा है, ये वाला बता रहा है, ये वाला बता रहा है, ये वाला कि पहले प्रेस वो कर। तो ये बिल्कुल ये थोड़ा बहुत सही जाएगा। इसे कांस्टेंट टेंपरेचर, इसे स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन, ये फिर स्ट्रेट लाइन है इज ऑब्टेंड पहले। तो यहाँ पे इसकी वाला, 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 तो यहाँ पे इसकी वाला मैंने इस तरह से निकाले हैं, कोई काम का नहीं था। एक्सप्लेनेशन टू बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर मोशन। सर काइनेटिक थ्योरी के टर्म्स में बताओ, इसके लॉ का एक्सप्लेनेशन। काइनेटिक थ्योरी तो भी आई ही नहीं थी, पर हमने जो लॉ पढ़ा था कहीं पर आई थी क्या? काइनेटिक थ्योरी बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। बेस्ट तो अगर आप सोचना चाहो तो खुद भी सोच सकते हो, पर मैं पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गिवन मास एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग गैसेस भी, काइनेटिक थ्योरी गैसेस बेसिकली स्पेसिफिक जगह बोलो तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी भी गिवन मास के अंदर, और जो उनकी एवरेज एनर्जी वो कांस्टेंट है, यानी वैसे नहीं कि वो रखे ऐसे बढ़ते रहे है ना, बिना कुछ के बढ़ते रहे, कम होते नहीं, वो कांस्टेंट है। इफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज रिड्यूस, अगर आप इनका वॉल्यूम, अगर आप इनका वॉल्यूम गिरा दिया कितना कर दिया? लहसुन के पास, 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 लहसुन के पास स्पेसिफिक कमी रहेगा मूव करने के लिए। ऑब्वियसली मूव वॉल्यूम का मतलब पता, एरिया खाल, एरिया खाल, एरिया खाल हो, एरिया आधा हो जाएगा तो हमारे पास भी तो घूमने के लिए जगह आधी हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ वॉल्स 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 ऑफ द कंटिनेंट अ गिवन टाइम विल गेट डबल। और सर हम सर जा पाते तो पूरे राउंड लगा पाते, 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 तो पूरे एरिया का अब एरिया आधा हो गया। तो एक घंटे में एक ऐसे यहाँ पे खावा है, 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 तो उनका जो आपस में टकराने का टाइम है वो डबल हो जाएगा। सो दैट डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। कन्वर्सली ये तो वॉल्यूम, अगर अगर गैस डबल हो गई सर, एरिया डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, 5 मीटर का और, 5 मीटर का और, 5 मीटर का और कर लेते हैं सर, 5 मीटर रहा ही नहीं, अब वो कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया।
तो अब हम 1 घंटे पूरा कवर कर पाएंगे, आधे कवर कर पाएंगे, आधे कवर कर पाएंगे। तो देखो तो इनका जो प्रेशर है ना, प्रेशर कैसे हो जाएगा, हाफ हो, प्रेशर इनका हाफ हो जाएगा, दस प्रेशर द गैस विल बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ द फाइनल। हेंस इट इज सीन दैट इफ प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास द गैस डिक्रीज कांस्टेंट टेंपरेचर। और कुछ नहीं है। और सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, इम्पोर्टेंस केमिकल ऑफ ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जैसे प्रेशर बढ़ाते हो वॉल्यूम डिक्रीज बिल्कुल, एंड गैस बिकम्स डेंसर बिल्कुल, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली 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 प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो डेंसिटी भी कह रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगी, समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर कह रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो एट हाई एल्टीट्यूड, वो कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, बिल्कुल बताइए आपको सर, एयर इज ऑल्सो लेस डेंस बिल्कुल, हेंस अ लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग बिल्कुल, दिस इज द रीजन व्हाई माउंटेनियर्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। ये तो पता नहीं मैंने आपको सर उसमें बताया है एटमोसफेयर वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा अगर आपने उसमें तो यहाँ पे पढ़ लिया तो अच्छी बात है। व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू बैलून वॉल्यूम एंड प्रेशर इनसाइड द बैलून इंक्रीज, तो दोनों चीजें बॉयल्स लॉ, हेयर बॉयल्स लॉ, हेयर बॉयल्स लॉ इज नॉट वायोलेटेड एज अ लॉ इज वैलिड फॉर अ डेफिनेट मास। रही है बिल्कुल से भर रही है, 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 बल्कि ऐसा होता नहीं, या तो एक बढ़ेगा एक घटेगा ऐसा होता है, तो यहाँ पे दोनों भरते नहीं। पर बॉयल्स लॉ कह रहे हैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, डिफिट नहीं हो रहा, बॉयल्स लॉ फॉलो यहाँ पे भी हो रहा है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ने कहा कि मेरा लॉ तो केवल वहां पर लेगा जहां पर मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है। क्या बैलून का मास फिक्स होता है क्या, क्या उसका साइज फिक्स होता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे वो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। वेयर इज मास इंक्रीज व्हेन मोर एयर इज, व्हेन मोर एयर इज ब्लोन इनटू द एयर, है ना, उसका मास फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से मैंने पहले बोलता आपको सेकंड वाला एग्जाम्पल पढ़ाना है, समझाने वाला। उन्होंने एक नया फॉर्मूला बना लिया, इसी को अगर आप सॉल्व करते हो, उसको उन्होंने पी नाम ले लिया है ना, बी टू पी टू नाम ले लिया इन्होंने, तो उन्होंने कहा इसको सॉल्व करो, इसको आपस में सॉल्व कर लोगे तो के की अकेली वैल्यू हो जाएगी, के की अकेली वैल्यू क्या जाएगी, बी टू बी टू, ठीक है, बस नहीं के का एक और फॉर्मूला आपको पता चलेगा, ठीक है, करते हैं जरा। गैस एट ऑक्यूपाइज 800 सेंटीमीटर क्यूब, एक गैस है जो इतना एरिया क्या करती है ऑक्यूपाई करती है, नहीं तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखकर चलनी है आपको ना, कौन सी क्या है, कौन सी क्या है। डर सेवन, डर सेवन, डर 760 mm HG प्रेशर, ये क्या हो गया आपका प्रेशर पी, फाइंड आउट व्हाट प्रेशर द गैस विल ऑक्यूपाई थ्री, ये दूसरा वॉल्यूम कहाँ से आ गया, यानी सर ये वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 है, और एट व्हाट प्रेशर, यानी सर प्रेशर दिया हुआ है, दूसरा प्रेशर कौन सा पूछ रहा है सर, ये पी टू पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, पी टू पूछ रहा है, देखो क्या ये चीज लिखी है उन्होंने भी यहाँ तक, पी वन 760 mm, वी वन 800 सेंटीमीटर क्यूब, पी टू पूछा गया है, वी टू में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी वाला फॉर्मूला लगा देना है सर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, नहीं मेरे को, नहीं मेरे को, हमने देखा था के इक्वल टू क्या होता है, तुम्हें किस 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 है, तुम्हें किसी भी एक इक्वेशन से, सपोज फॉर इक्वेशन 1 है, ये हो जाएगा हाँ तो एक से 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 आगे फॉर्मूला, तो अभी लगा दो आप फॉर्मूला, तो आपके पास बी टू की वो पी टू की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, आया है एमएम 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 में, आया है, आपको एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भी तो वन तो वन तो वन तो वन तो वन तो वन तो 160 सेंटीमीटर आ जाएगा,
बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब है पता नहीं सर, बी बने बी टू कितने पता नहीं। अंडर द प्रेशर ऑफ दिस फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम। सर अब यानी बी बन लिख लो उसको। फाइंड अंडर द व्हाट वॉल्यूम व्हाट प्रेशर है। नया वी टू ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये बी टू दिया हुआ है। बी टू भी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है? तो बी टू क्या सॉल्व करके पता है? तब आपके पास बी टू आएगा, ठीक है? ये आ जाएगा लगा के आप, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप P2 निकाल सकते हैं। इसमें वही पूछा गया था, ये वाला होमवर्क है, ये वाला एग्जाम्पल क्या है, होमवर्क, ठीक है? सिलेंडर दिस 4 dm। कैपेसिटी मतलब ही होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब ही कहते वॉल्यूम। मैं वन लिख दे रहा हूँ, पता नहीं कि मेरे को लगा देखो आ जाएगा। इन दैट ऑफ अदर इज डीएम 1 dm, ये बी टू हो गया। द प्रेशर इन फर्स्ट सिलेंडर इज दिस, पी वन हो गया। एंड दैट सेकंड वन इज 100, ये पी टू हो गया। एमएम ना सारे यूनिट, ठीक है? बोथ ऑफ द सिलेंडर्स कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ट्यूब फिटेड विद अ टैप, ठीक है? व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर आइदर सिलेंडर ऑन ओपनिंग टैप इफ द टेंपरेचर रिमेंस कांस्टेंट। ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस लैंड को कहा गया कहा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, और एक ये लाइन कहाँ गई? ये फॉर्मूले क्या है, कुछ लिखा हुआ है? मैं एक एक करके समझाता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आया कि फॉर्मूला और कब कब लगता है? ये फॉर्मूला और कब कब लगता है? जब बात है कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रही है, जब बात है कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या पहले सिलेंडर के लिए फॉर्मूला ही लगाया, फिर अगले द्वार से 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 लगाया। सर ये डिफरेंस क्या हुआ इसमें? सर पहले सिलेंडर के लिए उन्होंने ये लगाया, दूसरे सिलेंडर के लिए ये लगाया, और उन्होंने पहले सिलेंडर के लिए जब ये निकाला तो दूसरे का प्रेशर एक्स मान लिया, यानी एक्स मानने का नया निकाला प्रेशर, ठीक है? और दूसरे सिलेंडर के लिए निकाला है ना, तो फिर उन्होंने द्वार से दूसरा प्रेशर भी निकाला, तो उन्होंने दो प्रेशर निकाला, तो उन्होंने दो प्रेशर निकाला, तो उन्होंने दो प्रेशर निकाले, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, तब उनको फाइनल प्रेशर आया। ये पूछ रहे कि फाइनल प्रेशर इन आयदर सिलेंडर है ना, दोनों में। जब ये क्वेश्चन है ना आयदर, तो आयदर वाले क्वेश्चन होते हैं टोटल करके, आयदर वाले क्वेश्चन होंगे टोटल करके। चैप्टर में ध्यान रखना, सेट्स वाले चैप्टर अगर आपने किए तो उसमें चीज बताई जाती है कि आयदर का मतलब क्या होता है क्या नहीं, है ना? तो वो क्या कह रहा है कि व्हाट विल द फाइनल प्रेशर इन आयदर सिलेंडर, दोनों में से किसी में भी। तुमने क्या किया, पहले देखा कि पहले सिलेंडर में कितना प्रेशर आना चाहिए। तो पहले सिलेंडर में, पहले सिलेंडर के लिए हमने देखा कि पहले सिलेंडर का जो प्रेशर था 560 था, ठीक है? वॉल्यूम था 4, ठीक है? सर दूसरे का वॉल्यूम कितना था? 5। तो सर उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना आना, तो प्रेशर कितना आना चाहिए? 448। तो दूसरी बार दोबारा सॉल्व किया, अब यहाँ पे जो P1 हो गया अब वो चेंज हो गया है ना। P1 कहाँ गया आपका?
1000 उन्होंने इनको पी1 ही बोल दिया है। P2 को क्योंकि अभी हटा रहे हैं, P2 दो अलग से निकालना चाह रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम आपका 1 हो गया है ना, नया वाला जो V1 है 1 हो गया। अरे यहाँ से दूसरा P2 निकाल लिया, दोनों के प्रेशर निकाल लिए, प्रेशर निकाल लिए और दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास से लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑफ अ गैस मास ऑफ अ गैस मास ऑफ अ गैस सिस्टम प्रेस पीसेस ऑफ मार्बल इन अ कंटेनर एट 7 एचजी एचजी प्रेशर इज 100 ml, यानी सर 100 ml तो वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर हो गया। 1000 हो जाए और न्यू वॉल्यूम वो 100 ml से वर्ल्ड पीस इज द टेंशन 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 मीन्स कांस्टेंट है भाई वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम 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 तो इस बार आपको ना बार बार ऐसा करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे हमने P2 पिया, क्या क्या कर लिया, 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 क्या क्या कर लिया। P1 V1 P2 V2 कर लिया, बिल्कुल ठीक है तरीका है। कहीं क्वेश्चन टेम्परेचर पे ऐसे लगता है, क्वेश्चन टेम्परेचर पे ऐसे लगता है, क्वेश्चन टेम्परेचर पे ऐसे लगता है। तो हमने देखा कि सर पहले हमारा प्रेस क्या है, विकाइनस भी क्यों किया 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 है, क्योंकि हमें हमें चाहिए कि हमें आपको इस तरह सुनाना तो क्या, इस तरह सुनाना तो क्या, इस तरह सुनाना तो क्या आएगा हमसे 2 सेकंड। 750 नहीं तो आपका अलग तरीका हो जाएगा। 100 ही था। सेवन फिफ्टी करना पड़ेगा, रुको। रुको मैं मोबाइल से करके जाए था। 5 × 100 / 1750 1000 1000 × 80 1750 समझाता हूँ।
ये क्या कह रहा है तो पहले तो समझो। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल पीसेस इन द टेंपल में आंसर वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस ऑफ गैस तो नया वॉल्यूम पता 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 तो नया वॉल्यूम के लिए तो नया वॉल्यूम के लिए तो नया वॉल्यूम के लिए हम गलत सेट कर देंगे। ठीक है, अब नया वॉल्यूम क्या होगा? जब हमारा प्रेशर इतना था, नया 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 सब उसका टोटल वॉल्यूम क्या है? लेट द कंटेनर का लेट द पूरे 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 कंटेनर का था 100 तो कंटेनर का था 100 तो कंटेनर कितना होगा? मार्क 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 कितना होगा? तो सर हम अगर इसमें से नहीं 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 दो वाला वॉल्यूम हटा 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 दो तो हमारे पास बहुत जगह रह जाएगी जो हमारी जो उस नेटवर्क पर रहेगी उसने ऑक्यूपाई की है 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 बस। अब उसके हिसाब से मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया, इसको हटा 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 दो ये तो है। नहीं कर पाया नहीं कर पाया नहीं कर पाया। आप स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन है ना उसमें से आपको एक दो क्वेश्चन